हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग में आपका एडुकेटर हूं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टोटल 5 लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं और हर लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए। इसका मतलब हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ था और IIT मेंस के सारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आएगा और हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है, देखिएगा, द डायग्राम शोन इन फिगर जो दिया हुआ है इज अ मीटर ब्रिज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है, नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर है और आपको वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर आर निकालना है। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। ये मीटर ब्रिज है और देखिएगा, यहाँ पर डायग्राम आपके सामने हम लोग बनाते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए, कई क्वेश्चन मीटर ब्रिज के पूछे गए हैं, हर किसी ना किसी साल में आते रहते हैं, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसको ज़रूर तैयार करिएगा और इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और देखिएगा, यहाँ पर मीटर ब्रिज आपका बना रहे हैं और यही अननोन रेजिस्टेंस है जिसका आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है। और देखिए, यहाँ पर ये मीटर ब्रिज है, पूरा बना देते हैं इसको। और देखिए, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है थ्रू अ की, की आपकी क्या है, यहाँ पर क्लोज है तो क्लोज्ड की है, क्लोज्ड की है यहाँ पर। और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये 55 ओम दिया हुआ है और आप देखिएगा ये मीटर ब्रिज है, इसकी लेंथ आपके कितनी होगी, पूरी 1 मीटर होगी, ये 1 मीटर लेंथ होगी और 20 सेंटीमीटर पर यहाँ पर देखिएगा गैल्वेनोमीटर का जो नल पॉइंट है ये 20 सेंटीमीटर पर यहाँ पर अटैच है। कितने पर? 20 सेंटीमीटर पर, यानी जो बाकी बची हुई डिस्टेंस हो गई वो कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए, ये डायग्राम है, आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर आर, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और आप खुद देखिएगा, ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड होता है। आपको पता ही होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इसमें भी आप बताइएगा बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में, जो बैलेंस ब्रिज कंडीशन होती है पी बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एस, तो यही फार्मूला यहां भी लगेगा। अकॉर्डिंग टू आप कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस ब्रिज कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, या सीधे सीधे कह दिए कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, तो कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग जो यहां पर होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है पी बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एस। इसका मतलब जो यहां पर 55 और डिवाइड बाई यहां पर L रख देते हैं, 20 रख देंगे, L यहां पर L रख देते हैं और इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, R डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 80। तो 80 सेंटीमीटर यहां से बचा। सीधे सीधे देखिए, यहां पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया यहां पर 4। R की वैल्यू जो हो गई वो कितना हो गया, 220 ओम हो गया। तो देखिए, यहां पर अगर आप देखिए लेंथ को भी रख देते हैं क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग ही बताएगा रेजिस्टेंस आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बैलेंसिंग ब्रिज के लिए, ये शॉर्टकट है लगाने के लिए, आसानी से आ जाएगा। और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, जब तक हम लोग इसको इरेज करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 6 ओम पर, 6 ओम है 100 डिग्री सेल्सियस पर और 5 ओम है किस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का 0 डिग्री सेल्सियस पर, यह बताना है। और देखिएगा, ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, 2007 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। और देखिएगा, आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस, आर टी जो होता है ये आर 0 और 1 प्लस अल्फा टी होता है या डेल्टा टी भी देख सकते हैं, तो अल्फा टी यहां पर रख दिया। अब देखिए, आपको एक दिया हुआ है रेजिस्टेंस 50 ओम पर और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ कितने पर बताइएगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ और एक दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आर 50 आप देखेंगे, आर 50 और देखिएगा यहां पर आर नॉट रख देंगे
1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी कितना हो गया यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर 50 हो गया, ठीक है। और देखिएगा आर 100 है और यहां पर ये आर नॉट हो गया 1 प्लस अल्फा और इनटू क्या हो गया 100 हो गया। तो देखिए यहां पर 50 और 100 पर यहां पर आपको पता है, अब यहां से हम क्या करते हैं आर 50 माइनस क्या कर देते हैं आर 100 कर देते हैं। तो आप चेक करिए कि आर नॉट यहां से भाई आप यहां पर आर 50 और माइनस आर नॉट कर दे रहे हैं, तो देखिए आप आर 50 माइनस आर नॉट इस वाले इक्वेशन में किया तो ये कितना आ गया भाई यहां पर खुद देखिएगा आर नॉट और बताइएगा अल्फा और इनटू 50 आ गया। इसी तरह से आर 100 माइनस आर नॉट करेंगे तो यहां पर आर नॉट अल्फा और इनटू 100 आ जाएगा। दोनों को कर दीजिए डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा यहां पर देखिए तो आर 50 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर 100 माइनस आर नॉट, यहां से देखिए आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2R50 माइनस 2R0 इक्वल टू R100 और माइनस R0। R50 आपको दिया हुआ 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 5 ओम, तो 2 इंटू 5 हो गया माइनस 2R0 है और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 6 ओम, तो यहां पर आपने रख दिया 6 और R0 यहां पर है। देखेगा ये 10 हो गया, ये उधर जाएगा और ये इधर जलाएगा 2R0 और माइनस R0, R0 कितना निकल गया 4 ओम। देखिए आपके सामने आंसर है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालना था और ये निकल गया है। ऑप्शन चेक करिए यहां पर, तो ऑप्शन अब चेक करते हैं, ऑप्शन देखिए ए नंबर ऑप्शन है 3 ओम, बी नंबर है 2 ओम, सी नंबर 1 ओम है और डी नंबर क्या होगा 4 ओम, यही करेक्ट होगा। तो चलिए जब तक इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़ देते हैं। देखिएगा अ बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी, मतलब ईएमएफ के इक्वल हो जाए, ठीक है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड वर्क डन बाय बैटरी will be, यही बता रहे हैं आपको, ऑप्शन यहां पर चार दिए हुए हैं, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको यहां पर रिक्वायर्ड जो रेशियो निकालना है आपको, वो क्या है रिक्वायर्ड रेशियो, आपको देखिए क्वेश्चन में दिया होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये आपको, और वर्क डन बाय बैटरी, यहां पर क्या रखना है भाई वर्क डन बाय बैटरी, इसका रेशियो निकालना है और यही पूछा गया है। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आप अच्छी तरह जानते हैं हाफ सीवी स्क्वायर होता है, हाफ सीवी स्क्वायर रख दिया, फार्मूला यहां पर रख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और देखिएगा जो वर्क डन बाय बैटरी है वो क्या होगा यहां पर सी ई स्क्वायर, ये है E यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल यहां पर हो जाएगा। आपको यहां पर पता है कि जब बताइएगा यहां पर E किसके इक्वल हो जा रहा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है E इक्वल टू किसके V के हो जाए तब रेशियो बताना है, तो यहां पर क्या कर दिया हाफ CV स्क्वायर और ये भी क्या हो गया यहां पर CV स्क्वायर ये कैंसिल हो गया 1/2 का रेशियो आ गया। ऑप्शन जल्दी से चेक कर ले तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ए नंबर ऑप्शन ही बताइए 1/2 है वही करेक्ट होगा, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आज इस तरह से अभी हम लोगों ने आज के लेक्चर में अभी तक 3 क्वेश्चन कराए हैं, अब चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बाकी सारे लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 तक में हम लोगों ने हर टॉपिक में बताइए 5-5 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन इसमें आज 4-4 कराए थे, इसमें आज 5 कराएंगे। तो देखिए अब यहां पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट, द पावर कंज्यूम बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट विल बी, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा आसान है, बड़ा बहुत कम ही ऐसा होता है कि आईआईटी में इस तरह के आसान क्वेश्चन जितने आज लगवाएं आपको पूछे जाएं, लेकिन ये सब आप याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टफ क्वेश्चन लगाएं, आसान भी पूछे जाते हैं और आप उनको भी लगाना जानना चाहिए और आपको आना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो आप चेक करिएगा भाई पहले वाले में दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, किसी भी बल्ब को आप लाते हैं मार्केट से
तो उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट, जो कि आपकी डोमेस्टिक सप्लाई होती है, 100 वाट मतलब पावर होती है। इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और बल्ब के लिए फार्मूला आपको बताया था P=V²R, और ये बल्ब के लिए अक्सर लगाते हैं यही फार्मूला। तो यहां से अगर R निकाले तो V²/P हो गया, V की वैल्यू 220 और इनटू 220 रखा डिवाइड बाय 100, यहां पर आ गया 484 ओम आ गया। अब देखिए रेजिस्टेंस निकल चुका है, अब हम लोग को पावर निकालनी है 110 वोल्ट पर। अब फिर से हमको P डैश निकालना है, V², यहां पर क्या होगा, R होगा। अब की बार 110 वोल्ट अगर बताइए सप्लाई यहां हो जाए तो तब निकालना है R की वैल्यू, वही 44 होगी, यहां पर रखिए, ये जाएगा 44, यहां पर क्या हो गया 4, ऊपर 100 डिवाइड बाय 4 हो गया, कितना आ गया 25 वाट के आ गया, ये पावर आ गया 25 वाट। जल्दी से ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन 75 वाट है, दूसरा है 40 वाट, तीसरा 25 दिया, वही करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बल्ब के लिए फार्मूला याद रखेगा P=V²R होता है। और अगर कहीं पर आप देखेंगे रजिस्टर हो यानी हीटर की बात होती है तो वहां पर P=Y²R लगाते हैं, वहां पर V²R भी लगा सकते हैं। और एक फार्मूला जो हर जगह अप्लीकेबल होता है वो होता है P=VIK, ये याद रखिएगा, ये सब आपको बताया है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जब तक इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं आपके बोर्ड से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम पढ़ देते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज थ्री रजिस्टर कैपिटल P, Q एंड R कनेक्टेड इन थ्री आर्म्स, ठीक है, एंड फोर्थ आर्म इज फॉर्म बाई टू रजिस्टर, जो चौथी आर्म है वो दो रजिस्टर से मिलकर बनी है S1 एंड S2, और दोनों कनेक्टेड हैं किसमें, पैरेलल में। द कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस विल बी, देखिए आपको बता दें व्हीट स्टोन ब्रिज आपको यहां पता होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज ये इस तरह से यहां पर होता है, और ये चार रजिस्टर हैं या कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, और एक रजिस्टर या बताएगा सेल यहाँ पर बीच में लगा होता है, तो ये आपका है। और ओरिजिनल में जो यहाँ पर एक गैल्वोमीटर लगा होता है, अगर बीच के गैल्वोमीटर में नल पॉइंट अगर आ गया तो कुछ तरह की करंट नहीं फ्लो करेगी। तो यहाँ पर देखिएगा कितने PQR, तीन रजिस्टर ये है पी और क्यू और आर है, ये इसकी जगह पर दो लगा दिए गए यहाँ पर दो, और दोनों किसमें हैं, पैरेलल में लगा दिए गए एस और एस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन आपको बता दें, P/Q = क्या होता है, R/S होगा। फॉर बैलेंस ब्रिज के लिए आपको बता दें, अभी आप लोगों ने जब मीटर ब्रिज पढ़ा था वहां भी व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड था, तो बैलेंस ब्रिज के लिए वहां एक थोड़ा सा चेंज होता है, लेंथ ले आते हैं, एल रो ले आते हैं वहां पर, और यहाँ पर P/Q रेजिस्टेंस लिया और =R/S का रेशियो होगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप बताएगा P तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दूसरा Q है, R भी यहाँ पर, और S की जगह पर दो पैरेलल में S1 और S2 ले लिया गया, तो उनका इक्विवेलेंट जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो पैरेलल में लगे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, S1 S2/S1+S2, पैरेलल में आसानी से निकाल लेंगे, यहां पर रख दिया S1 S2। अब आप सोचिए इतना आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और देखिए यहां पर आपका क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है कंडीशन बतानी है आपको, और ऑप्शन के बेसिस पर आप चेक कर लीजिए यहां पर। तो देखिएगा यहां पर P/Q क्या हो गया, =R S1+S2 और डिवाइड बाय S1 S2 है, देखते हैं ऑप्शन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है P/Q = 2R/S1+S2, ये करेक्ट नहीं है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन है P/Q R S1+S2/S1+S2, और यही करेक्ट ऑप्शन है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए जैसे जैसे हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं क्वेश्चंस आपको आसान मिलते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं IIT मेंस में नीट में बहुत आसान बेसिक से लगे हुए ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं अक्सर हायर लेवल के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हायर लेवल के क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब एग्जाम में। और आपको वैसे हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन इनको करना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा आज हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन लगाए, और अब तक हम लोग देख लीजिए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 25 क्वेश्चन लगा चुके हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड आपको हम लोग क्वेश्चन कराएंगे।
यहां के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग बहुत मेहनत करिए, जम कर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।